हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं हॉस्पिटल प्रैक्टिस के लिए और एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ मैं। लास्ट ईयर हम लोग का इंटर्नशिप चल रहा है वैसे, तो अभी मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको यहाँ पे हॉस्पिटल कैसा है और हम कैसे पेशेंट देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। So guys, today we came for hospital practice. I am studying in AC Medical Institute. I am actually in Kyrgyzstan. और मैं यहाँ हॉस्पिटल प्रैक्टिस के लिए आया था। ये जो पोली क्लिनिक है हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और ये इंस्टीट्यूट के जस्ट सामने ही हॉस्पिटल है, तो हम लोगों को यहाँ ड्यूटी लगा था कि हॉस्पिटल प्रैक्टिस करने जाना है और हम लोगों ने यहाँ पे आया, पेशेंट भी देखा, करीब 2-3 पेशेंट देखा जो कि हाइपरटेंशन के पेशेंट थे। तो उसके लिए हम लोगों ने उनका बीपी वगैरह चेक किया, पल्स वगैरह चेक किया और जनरली फिर दूसरा डिपार्टमेंट में गए थे जैसे कि न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। वहाँ एक पेशेंट आई थी जो कि साइटिका का पेशेंट थे, उसका लंबर साइड में पेन हो रहा था। साइटिका एक्चुअली ये होता है कि वो जो नर्व होता है लंबर एरिया में, जो कि वहाँ पे कंप्रेशन होने लगता है, वहाँ पे डिस्क होता है जो वर्टेब्रा का, उसका ही वहाँ पे दबने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ दर्द बढ़ने लगता है। जब वर्टेब्रा का बॉडी जब नर्व को कंप्रेस करता है तो उसकी वजह से पेशेंट के अंदर पेन देखने को मिलता है और ये जो पेन होता है साइटिका, ये हमारे लोअर एब्डोमेन में सप्लाई होता है इसका, जो कि या तो राइट लेग में जा सकता है या लेफ्ट लेग, दोनों लेग में जाता है, लेकिन जो पेन होता है एक्चुअली वो रेडिएट करता है, तो एक साइड में ही रेडिएट करता है। तो पेशेंट को वही पेन था लंबर सैक्रल एरिया में और वो पेन रेडिएट कर रहा था थाई एरिया में, तो उसके लिए डॉक्टर ने यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया। तो उसके लिए डॉक्टर ने शायद कुछ मल्टी विटामिन्स, और मुझे उतना तो समझ में नहीं आया क्योंकि ये लोग रशियन में स्पीक करते हैं, रशियन बोलते हैं, तो उसके लिए मुझे बस इतना समझ में ओमेप्राजोल दिया डॉक्टर ने, प्रिस्क्राइब किया था ओमेप्राजोल जो कि PBI है, ये गैस के ये यूज़ किया जाता है, और शायद पेन किलर के लिए कुछ एनसेड्स वगैरह दवाइयाँ दिया था।
बाकी कुछ नहीं, बाकी हम लोग प्रैक्टिस करने आए हैं यहाँ पे। पेशेंट जो है वो रशियन और किर्गिज लैंग्वेज में बात करते हैं, तो डॉक्टर को भी इंग्लिश नहीं आता है यहाँ पे। फाइनली हमारा हॉस्पिटल प्रैक्टिस ख़त्म हो गया और अप्रॉक्स 2 आवर्स हमने समय बिताया हॉस्पिटल में। करने को कुछ नहीं था, बस वही पेशेंट का बीपी चेक करना और पल्स चेक करना, पेशेंट को एग्जामिन करना, बाकी इतना ही था। क्योंकि लैंग्वेज तो हमें आता नहीं है और यहाँ के लोग जो हैं वो अंग्रेजी बोलते नहीं हैं, दे डोंट नो इवन इंग्लिश और हिंदी ऑल्सो, दे स्पीक्स ओनली रशियन और किर्गिज लैंग्वेज। सो थोड़ा सा इट्स वाज सो डिफिकल्ट। ये था पूरा व्यू हॉस्पिटल का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही हॉस्पिटल प्रैक्टिस और ब्यूटी रिलेटेड वीडियो मेरा ब्लॉग चैनल है ट्रैवल विथ आसान। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।